कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो मैंने एक ऑलरेडी फॉर्म फिल करके रखा है, तो चलिए इसमें हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से भरना है। तो आप यहां से समझ लीजिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट का नाम आपको कहाँ पर मिलता है, तो जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें आप यहाँ पे देख लीजिए कैंडिडेट नेम, इसमें जो भी आपका नाम जिस तरह से स्पेलिंग है वही नाम आप यहाँ पर भर दीजिए। पहले वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे भर देंगे एंड नीचे आएंगे तो कैंडिडेट रोल नंबर, तो जो भी आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा आप यहाँ पर देख लीजिए, रोल नंबर हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमांक, तो यही रोल नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। मैंने कुछ रोल नंबर हाइड करके रखा है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो रीज़न है सिक्योरिटी रीज़न से मैंने हाइड करके रखा है। तो आपको जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर पूरा आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है एग्ज़ाम नेम, यानी आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसके लिए आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो आपका एग्ज़ाम होगा SSC GD का, MTS का, या जो भी एग्ज़ाम होगा उसका आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा SSC GD 2022, या फिर ये भी लिख सकते हैं SSC GD Phase 10, यानी Phase 10 का मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक आप लिख देंगे, या आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट भी आपको एडमिट कार्ड पे यहाँ पे दिख जाएगा, सो आप यहाँ पे देख लीजिए वही डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। उसका एग्ज़ाम शिफ्ट, आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन से शिफ्ट में होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप यहाँ पे देख लीजिए उपस्थित होने का समय 7:45 यानी सुबह में है, तो इनका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में है। तो मान लीजिए अगर आपका मॉर्निंग में होता है तो फर्स्ट शिफ्ट हो गया, दोपहर आफ्टरनून में होता है तो आपका सेकेंड शिफ्ट हो गया, अगर इवनिंग में होता है तो आपका थर्ड शिफ्ट हो गया, उसके अनुसार आप यहाँ पे लिख देंगे। एग्ज़ाम वेन्यू, यानी आपका एग्ज़ाम कहाँ पर हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए एग्ज़ाम वेन्यू यहाँ पर दिया गया, एग्जामिनेशन वेन्यू, तो आपको यहाँ से और यहाँ तक पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आप लिख देंगे बेली रोड पटना बिहार, इस तरीके से आप शॉर्ट में यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपका एग्जामिनेशन वेन्यू होगा आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट का जो भी सिग्नेचर होगा वो आप लेंगे, इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको 24 घंटे के अंदर कभी भी रिप्लाई मिल जाता है। और चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डेली आपको इस तरह का इस चैनल पर अपडेट मिलता रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।